लगातार एक प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया गया है. रिक्रूटमेंट जो भी रेफर की गई है, अब आई विल हैप्पीली शेयर विद यू, 191 के करीब डॉक्टर्स को अभी चंद दिन पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेजा गया. उससे पहले 50 डॉक्टर्स और, उससे पहले अब लगातार एक प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया गया है. वैकेंसीज आइडेंटिफाई की गई हैं, जो 2 साल से ज़ायद वैकेंसीज और क्रिटिकल हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको दोबारा अपडेट कराया गया है. कंकरेंसीज ली गई हैं और उन सब को मेजॉरिटी को रेफ़र किया गया है. और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि देयर विल बी अ मैसिव इंक्रीज़ इन द रिक्रूटमेंट टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स गैप फिल करना बहुत लाजमी है. और सरकार पूरी कोशिश कर रही है और पूरे एफर्ट्स लगा रही है. बार बार लगातार हम मेडिकल कॉलेजेस की रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं. लगातार हर मेडिकल कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेजेस जो मैंने आपको बताया या पुराने मेडिकल कॉलेजेस में कोई वैकेंसी बन रही है उसमें लोग जा रहे हैं. और जहाँ तक रूरल हेल्थ केयर की बात है, जैसे मैंने आपसे कहा, ख्वाब वो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज हो, ख्वाब वो बारामूला हो, ख्वाब वो हंदवाड़ा हो, ख्वाब कठुआ हो, राजौरी हो, उधमपुर हो, डोडा हो, इन सब मेडिकल कॉलेजेस में हब एंड स्पोक मॉडल पे अब हेल्थ केयर सिस्टम आगे चलेगा.